नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही खतरनाक वशीकरण की विधि। अगर आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाए, आपकी जिंदगी में आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनाना चाहते हैं, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये उपाय इसमें मदद करेगा। इस उपाय में आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी करनी होंगी जो आपको अकेले ही करनी है, और उसके बाद आपको इसका जो फल मिलेगा वो आपके मन के मुताबिक मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो है इस उपाय को करने के लिए, वो ये कि आपको पीपल का पत्ता लाना है। आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो तो उससे आप दो पत्ते ले लीजिए, और उसके बाद एक पत्ते पे अपना नाम और अपनी माँ का नाम, और दूसरे पत्ते पर आपकी प्रेमिका या प्रेमी का नाम और उनकी माँ का नाम, इस तरह से आपको लिख लेना है। लाल पेन से लिखिएगा आप ये नाम, और उसके बाद इन दोनों पत्तों को आपको लेकर जाना है शमशान घाट में। शमशान घाट में जाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आज, मतलब जैसे अगर आप आज जाते हैं तो एक दिन पहले जो भी वहां पर लाश जलाई गई है वहां से आपको थोड़ी सी राख उठा लेनी है। चुटकी भर राख आपको दोनों पत्तों पर रखनी है, और उसके बाद दोनों पत्ते लेकर आपको घर की तरफ आ जाना है। घर की तरफ आने के बाद दोस्तों एक चीज याद रखनी है कि बीच में कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, रुकना नहीं है, सीधा अपने घर आ जाना है। और उसके बाद अपने घर में भी आप इसे किसी ऐसे कमरे में ले जाइए जहां पर कि कोई और बैठा ना हो, कोई और ना हो। याद रखिएगा इस उपाय को आपको सिर्फ तभी करना है जब आपके आसपास में लोग ना हो, घर पे कोई ना हो, क्योंकि अगर किसी ने टोक दिया, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो ये उपाय काम नहीं करेगा, बल्कि इसका गलत असर भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी आपको इस समय टोकना नहीं चाहिए, कोई भी आपसे सवाल ना पूछे कि क्या कर रहे हो। इस तरह से आपको इसे बिल्कुल अकेले में चोरी से उपाय को करना है। लेकिन अगर आपने ये सही तरीके से कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी, आपका जो प्यार है वो आपके पास आ जाएगा। अब एक बार पीपल के पत्ते के ऊपर आप जो राख है वो रखने के बाद जब घर पे पहुंचेंगे तो आपको अपने घर में इसे जमीन पर रख देना है। दोनों पत्तों को आसपास में रखना है, और उसके बाद उनके चारों तरफ आपको पानी से एक घेरा बना देना है, और चारों दिशाओं में आपको अगरबत्ती जला देनी है, एक एक अगरबत्ती चारों दिशाओं में जला देनी है। अब आपको एक मंत्र पढ़ना है, और उसके बाद दोस्तों मंत्र पढ़ने के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके जो प्रेमी हैं जिनके नाम से आप वशीकरण कर रहे हैं उनका आपके पास खुद कॉल आएगा, वो आपको कॉल करके बात करेंगे। तो इस विधि को पूरा करने के लिए जब आपने अगरबत्ती जला दी उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों। मंत्र है ओम कामदेवाय अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा मंत्र है जो कि कोई भी बोल सकता है। इस मंत्र को आपको 1,00,000 बार बोलना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको इसे 1,00,000 बार बोलना है, और ये मंत्र आपकी प्रेमिका या प्रेमी को आपके पास ले आएगा। अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे इस तरह से, तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए, हम आपके लिए इस विधि को पूरा करके देंगे, और आप जिसे भी प्यार करते हैं उसे आपकी जिंदगी में ला कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।